वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रेरणा आणि स्फूर्ती देण्यासाठी विभागाच्या सिग्नेचर गीत बँड आणि प्रतिज्ञा इत्यादी करिता सर्वांसाठी खुली स्पर्धा. गीत व बँड पुरस्कार राशी 4 लाख, प्रतिज्ञा पुरस्कार राशी 2 लाख. अधिक माहितीसाठी www.mahaforest.gov.in वर 10 मे 2023 पर्यंत आपला सहभाग नोंदवा. महाराष्ट्रातील नंबर 1 टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा. अज्ञात इसमाने कारवर झाडली गोळी. मालेगावच्या मेहुणे शिवारातील घटना. यूट्यूब कलाकार व चालक बचावला. मोटरसायकलवरून आलेल्या अज्ञात इसमांनी कारवर फायरिंग केल्याची घटना नांदगाव मालेगाव रोडवरील मालेगावच्या मेहुणे शिवारातील मडकी नाल्याजवळ घडली आहे. सुदैवाने या घटनेत औरंगाबादचे यूट्यूब कलाकार शहा मशाहेद शहा हुसेन व त्यांचा चालक बचावलाय. मात्र कारच्या काचा फुटल्या व पत्र्याला छिद्र पडून नुकसान झालंय. या प्रकरणी तालुका पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस मारेकऱ्यांचा शोध घेत आहेत. यूट्यूब कलाकार व त्यांचा चालक कारने सुरतकडे जात असताना मध्यरात्री 1:30 ते 2:15 वाजेच्या सुमारास मोटरसायकलवरून दोघे जण आले व त्यांनी पिस्टल दाखवून कार दाखवण्याचा इशारा केला. मात्र पिस्टल पाहून त्यांनी कार न थांबवल्यानं पाठीमागे बसलेल्या इसमाने कारवर गोळी झाडली. पोलिसने सबसे पहली बात तो अचानक ऑपरेट किया हमको वहाँ पे और हमने ये शिकायत की कि हम यहाँ से यहाँ आ रहे थे और बीच में हम पे हमला हुआ फायर वगैरह जो भी है. तो फिर उन्होंने साथ में गए हमारे वहाँ से उनको एक बुलेट मिली है जो बाजबता सही वो थी ना. दो बुलेट थी, एक फायर केस था और एक अखी बुलेट थी एकदम साबित वाली. और बस बाद में फिर दूसरा जो सेकेंड पार्ट था गन का जो फायर हुआ था वो डोर के अंदर से पुलिस ने निकाला. देन हमारे को वही कंप्लेंट पे क्या क्या जो आपने कलम देखे आपको रिसीट कॉपी में आपको दिखाया मैंने. फायर देखे आपको ऐसे ऐसा आपको शक है कि आपका इतने बड़े फैंस है, आप यूट्यूब पे इतने फेमस है. जी जी, इसकी वजह से किसी ने आपकी सुपारी भी ऐसा कुछ आपको लग रहा है सर? नहीं, मैं भी ऐसा बोल नहीं सकता हूँ मैं, बट मुझे ये चीज़ का तो अंदाज़ा नहीं था. पर आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं. हर जगह प्यार मिला मुझे, कोई सिटी में कोई भी जगह पर ऐसा ये हरकत तो नहीं हुई मेरे साथ कभी भी, ना कोई धमकी भी आज तक नहीं आई मुझे. थोड़ी डिटेल में बताइए ठीक है, आप रात में कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप और क्या हादसा हुआ, क्या आपने सामने वाले को देखा और उसने क्या किया जी बताना है? हाँ जी. अच्छा, नांदगांव से मालेगांव का रास्ता है क्योंकि बीच में हमको दो लोग ने फॉलो किया और रास्ते में चलते थे अक्सर फैन आते हैं मुझे रुकाने के लिए फ़ोटो लेने के लिए. तो हमको लगा था ये वैसे ही कोई फ़ैन होगा जो हमको रुका रहा है बोल के. तो हमने इसका जब उसका हाथ में गन देखा, जब हमको क्लिक हुआ कुछ ना कुछ गलत करने वाला है, तो हमने गाड़ी के जैसे स्पीड बढ़ाया वैसे उन्हें फायर कर दिया. और उसने फायर करने के बाद थोड़ा सा हमारा गाड़ी थोड़ा स्लो हुआ, उसके बाद उन्हें लगातार करता रहा पर फायर नहीं हुआ वहाँ पर. उसके बाद में उसने पुल बैक किया गन को. उसके बाद में इतनी देर में हम निकल गए वहाँ से. वहाँ से निकलने के बाद हम शाहरुख भाई के पास आए. यहाँ से थोड़े बहुत और दोस्त लोग मिले जिन्होंने बोले कंप्लेंट करना ज़रूरी है, कंप्लेंट करें हमने जाके. और कंप्लेंट कॉपी आपको मैंने जस्ट बताया ना. जो गन की उसकी गोली जो बुलेट है वो कहाँ पे लगी और उससे क्या नुकसान हुआ आपकी गाड़ी? उससे मेरे जो किन्नर साइड का जो डोर आता है ना तो वहाँ पे गोली लगी डोर के थोड़ा सा नीचे नीचे साइड में, जिससे कांच भी फूटी है. और जब कांच फूटी थी तो पूरा गैस उस कांच का अंदर आ गया था और पूरे कांच के टुकड़े आग पे थे मेरे वो टाइम. आपको कहीं लगा? नहीं नहीं, कोई इंजरी नहीं. रोजच्या ताज्या घडामोडींसाठी आवाज टीव्हीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.